ऐसा उल्टा काई को लेटा है चांद, बम पे छाला हुआ है क्या? नहीं रे, ऐसे लेटने से शरीर में ऑक्सीजन बढ़ता है, याद है रौनक सर ने ऑनलाइन मीटिंग में समझाया था। कोविड में अपना ऑक्सीजन लेवल बनाए रखने के लिए दिन में 3 बार कम से कम आधे घंटे पेट के बल लेटना चाहिए। लेकिन ये कैसे पता चलेगा कि मुझे कोविड है या नहीं? टेस्ट करवाओ ना। कोविड के लक्षण जैसे बुखार, खांसी, जुकाम, सांस में तकलीफ वगैरह महसूस हो तो बिना देर किए कोविड टेस्ट करवाओ। अगर कोविड है तो खुद को औरों से दूर रखो और जिनके संपर्क में आए हो उन्हें फौरन इस बारे में बताओ ताकि वो भी अपना टेस्ट करवाएं। कोविड के दौरान किसी से मत मिलो और अपनी पर्सनल चीजें जैसे पहने हुए कपड़े और तौलिया वगैरह भी इस्तेमाल मत करने दो। बुखार और ऑक्सीजन चेक करते रहो और डॉक्टर से बात करके दवा लो। गुनगुने पानी में नमक मिलाकर गरारे करो तो गले को भी राहत मिलेगी। सर जी, जिनको HIV है उनका इलाज कुछ अलग रहेगा ना? नहीं रानी, HIV के साथ जीने वाले लोगों को भी कोविड होने पर यही इलाज करना है और अपनी ARTकी दवा भी लेते रहना है। हाँ, कोई दिक्कत महसूस हो तो स्क्रीन पे दिए हेल्पलाइन नंबर्स पे फोन करके डॉक्टर से सलाह लो। जी सर, समझ गई। तो अगर तबीयत ज्यादा बिगड़ जाए तो डॉक्टर से बात करके हॉस्पिटल में जाना ही बेहतर होगा। देखा, रौनक सर हमेशा हमारे फायदे की बात ही करते हैं। वो तो करते हैं, लेकिन तुम भी तो कुछ करो मेरे लिए, बहुत बोर हो रहा हूँ यार। अब तेरे लिए क्या मुजरा करें हम लोग। अपने चिकने को बोल तेरा मनोरंजन करने के लिए। कोविड के लक्षण महसूस हो तो अपनी जांच करवाओ, समझ बढ़ाओ, खुद को कोविड से बचाओ।